नमस्कार JRCM, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्यारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से RC में जो इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुए हैं, आज उन्हीं में से एक अलग तरह का। आपने शायद अभी तक फूड फूड आइटम की ट्रेनिंग्स देखी होंगी, आज नॉन फूड कैटेगरी में हम लोग ट्रेनिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लेने जा रहे हैं। और आप लोगों के एक्साइटमेंट से ही मुझे भी एक्साइटमेंट मिलेगा कि आप लोग जितना ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे पूरे सेशन के दौरान, उतना ही मैं भी आप लोगों को देख करके एक्साइटेड फील करूंगा। और आप लोगों की एक्साइटमेंट के साथ मेरा जो जोश है टाइम टू टाइम बढ़ता रहेगा। आप लोग मुझे कोऑर्डिनेट करते रहें, टाइम टू टाइम थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाते रहें। तो लीजिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग सेशन को। आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है प्रोडक्ट की, जो शायद आप लोगों के बिजनेस वॉल्यूम को कई गुना तक बढ़ा देगी। इस तरह की प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज हम लोगों ने डिजाइन करी और इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का पार्ट में हूँ। इस पूरे का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप लोग देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इतने जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट आप लोगों को दिखने वाले हैं, जो शायद हो सकता है आप लोगों ने कभी उन प्रोडक्ट्स को यूज किया हो और यूज कर भी रहे हो, बट उन प्रोडक्ट की आज आपको इतनी डीप नॉलेज मिलने वाली है जो शायद आपके बिजनेस को, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आपके बिजनेस को कई गुना तक बढ़ोतरी कर सकती है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं एक बार सभी से। आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप भी जहां पर भी हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करें JRCM, जिस तरह जहां पर भी हैं चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। आपका एक्साइटमेंट ही हमें मोटिवेट करेगा। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लीजिए एक बार आप सभी के बीच में, मैं कुलदीप जैन भीलवाड़ा से हूँ और अपना इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, आप इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग पार्ट का मैं हिस्सा हूँ और आज आपके बीच में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करने से पहले, हम जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पहले हम एक चीज जानना चाहेंगे जो शायद आप लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से, बट फिर भी मैं अगला आप लोगों को बता दूं कि RCM बिजनेस में, जी हाँ RCM बिजनेस में हम लोग जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उससे पहले RCM के क्या उद्देश्य हैं, RCM किन उद्देश्यों पे काम करता है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, RCM के जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला उद्देश्य वो है स्वास्थ्य रक्षा। जी हाँ, RCM के जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। RCM में आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिससे आपकी हेल्थ को कहीं लॉस हो या हेल्थ के बेनिफिट ना मिले। हर प्रोडक्ट के थ्रू आपको RCM में, RCM के जो प्रोडक्ट्स हैं उन हर प्रोडक्ट के थ्रू आपको कहीं ना कहीं उसका हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है। तो RCM का इतना जबरदस्त उद्देश्य, पहला ही उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और दूसरे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण और तीसरा है स्वावलंबन। ये स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण स्पेशली तीनों उद्देश्य जो है, हालांकि RCM ने काफी समय पहले दिए थे, बट अभी जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, जिस पेंडेमिक से अभी हम लोग गुजरे हैं, जिस महामारी के दौर से अभी हम लोग गुजरे हैं, ये तीनों ही उद्देश्य उस महामारी के दौर के बाद अब खरे उतरते हैं पूरे। तो हम बात कर रहे हैं आज पहले उद्देश्य की, स्वास्थ्य रक्षा। RCM के प्रोडक्ट्स हेल्थ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट से आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा जरूर। हेल्थ से रिलेटेड अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। हम लोगों ने खाने के मामले में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स, अभी तक आप लोगों ने ट्रेनिंग देखी है, सारे सेशंस देखे हैं। आज हम जिन चीजों की बात करेंगे वो है विशिष्ट विंटर केयर सीरीज के प्रोडक्ट। जी हाँ, अभी हम लोगों को मालूम है, अभी चारों तरफ जो जिस तरह का क्लाइमेट है, जिस तरह का मौसम हो रखा है, सर्दी बढ़ चुकी है पूरा, कहीं कहीं टेम्परेचर 0 डिग्री पर भी, और सर्दी का मजा बिल्कुल अलग होता है। ये मौसम देखा जाए तो ये मौसम एकदम एनर्जेटिक फील कराता है सभी को, क्योंकि इस मौसम में हम लोग पहनने कपड़े पहनने का भी मजा लेते हैं तो खाने का भी मजा लेते हैं। बट हम लोग जो सबसे बड़ी जो हमारे साथ दुविधा हो जाती वो है कि कहीं ना कहीं हम अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि यहां हम जानेंगे वो क्यों नहीं कर पाते हैं। उससे पहले आप देखें कि हमने बात करी स्किन केयर की सीरीज, RCM के पास स्किन केयर के, स्पेशली अभी विंटर सीजन है, इस विंटर सीजन में स्किन केयर के इतने जबरदस्त और उत्कृष्ट उत्पाद हैं जिनको आज आप डीपली नॉलेज जानेंगे, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, इन प्रोडक्ट्स की क्या संरचना है वो आप जानेंगे, इन प्रोडक्ट्स के क्या क्या फायदे हैं वो आज आप इस सेशन में जानेंगे, इन प्रोडक्ट्स के द्वारा आप कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर पाएंगे वो आज आपको सेशन के एंड तक जाते जाते पता चल जाएगा, इन प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है वो आज आपको इस सेशन के थ्रू पता चलने वाली है। और जो हम बात कर रहे थे कि हम लोग स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, वो देखिए कहीं ना कहीं हम लोग देखा जाए तो अधिकतर महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं, गृहिणी होती हैं, और जबकि हाउसवाइफ होने के बाद
वो अपने आप को लीस्ट प्रायोरिटी सबसे लास्ट में डालती, पहले उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती फैमिली, फैमिली फर्स्ट होती कि अपने परिवार को, जी हाँ आज कोई भी महिला होती वो अपने परिवार को सबसे पहले प्रायोरिटी देती है, वो अपने आप को कभी भी प्रायोरिटी पर नहीं रखती है, इस वजह से भी वो अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाती घरों में। बहुत से आजकल तो फिर भी हम लोग स्लीपर्स पहन के घरों में घूमने लग गए, बाकी नंगे पैर इस सर्दी के मौसम में घरों में घूमना, स्किन का जो टच है क्योंकि क्लाइमेट बाहर इतना ठंडा मौसम रहता है, तो क्लाइमेट से जब इसके उस इतने कम टेम्परेचर पे जब हमारी स्किन टकराती है तो वो कहीं ना कहीं रूखापन रैशेज वो सारे आने लग जाते हैं। तो गृहिणी हाउसवाइफ होने के नाते भी आपकी स्किन टाइम नहीं मिलता है स्पेशली, इस वजह से हम लोग स्किन की केयर कर नहीं पाते हैं। अभी वर्किंग वुमेन्स भी बहुत है हमारे बीच में, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग में है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे बीच में ऐसे काफी लेडी लीडर्स भी हैं जो फील्ड में रहती हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुल चुका है, कहीं कहीं अनलॉक हो चुका है, तो जैसे जैसे फील्ड में जा रहे हैं हम लोग, तो फील्ड में जाते जाते क्या है कि हम अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाते, हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हमारे काम के प्रति हम लोग इतना डेडिकेट हो जाते हैं। तो स्किन की केयर आप देख रहे होंगे कि अभी तक महिलाओं का एग्जांपल बताया, जी हाँ महिलाओं के साथ ही ऐसा नहीं है, स्पेशली पुरुषों के साथ भी होता है। पुरुष वर्ग ऐसा होता है जो महिलाएं तो काम की वजह से अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, और पुरुष हर चीज में अपनी फैमिली को फर्स्ट लाता है, और अपने काम के प्रति अपने जो उनका वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो इतनी होती है कि वो काम में डूब जाते हैं और वो अपने खुद के शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको ये सारे कारण है कि किसी भी प्रोफेशन के हो आप, चाहे बैंक एम्प्लॉय हैं, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, व्हाटएवर आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जिस भी प्रोफेशन से हैं, अभी एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें हमारे स्किन की केयर करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। बिल्कुल जी हाँ, हम आप देख भी रहे होंगे कि हाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अलग अलग प्रोफेशन के व्यक्ति हैं, सबके पास है अपने काम के प्रति इतना जुनून रहता है कि उनको अपनी स्किन की केयर करने का लिए समय ही नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या सॉल्यूशन निकालें कि हम जो नए टाइम नहीं मिल रहा है, उस नहीं मिलने वाले टाइम में से भी हम अपनी स्किन को अच्छे तरीके से केयर कर सके, हम स्किन का रख रखाव कर सके, हम सुंदर दिख सके, ऐसा क्या है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो आज हम जानेंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो देखिए आरसीएम लेकर के आए हैं स्किन केयर की बहुत जबरदस्त उत्कृष्ट सीरीज, ये आप लोगों को मालूम है, और चूंकि हम लोग बहुत अच्छे फील्ड से हैं, हमारे पास न्यूट्रिशन वाले बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि जितना हमें अच्छा भोजन करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अच्छा भोजन हमारी इनर हेल्थ को अच्छा रखता है, हमारी इंटरनल जो हेल्थ है, हमारी इनर पर्सनैलिटी है वो अच्छी रहती है अच्छा भोजन खाने से, न्यूट्रिशियस फूड खाने से। उसी तरह से हमारी जो एक बाहरी पर्सनैलिटी भी होती है, जो कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वही वाली चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि आप कितना सुंदर दिखते हैं। कि सुंदर दिखने का मतलब ये नहीं कि गोरा होना, गोरे होने से सुंदर दिखना नहीं है। अभी इस क्लाइमेट में आपकी स्किन पे रैशेज आ गए, स्किन रूखी रूखी है, स्किन पे जलन होके जो दाने हो जाते हैं, तो वो भी आपकी स्किन की सुंदरता को दर्शाता है। तो जिस तरह से हमारा पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाता है, उसी तरह से आउटर न्यूट्रिशन, ये इनर न्यूट्रिशन होता है जो हमारे शरीर को इंटरनली फिट रखता है, उसी तरह से आउटर न्यूट्रिशन का पार्ट होता है जो हमारे स्किन को यानी शरीर को बाहरी रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। और उसी के तहत आरसीएम लेकर के आए हैं बेहतरीन विंटर केयर सीरीज के प्रोडक्ट्स। अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट में जो ठंड का मौसम बढ़ा है, इसकी वजह से मैंने बताया आपको कि आपकी त्वचा रूखी होने लग जाती है, त्वचा में दरारें आने शुरू हो जाता है, और जब वो स्किन में रैशेज आते हैं तो उससे क्या खुजली होती है। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत से ऐसे आपको साथी मिलेंगे कि उनकी स्किन पे रैशेज होंगे और वो बिल्कुल अजीब टाइप की स्किन होगी, उनको देखते ही आपको भी थोड़ी सी अजीब फीलिंग आएगी, इरिटेशन होता है कि यार ये आदमी बार बार खुजा रहा है, यार इनसे मैं हैंडशेक भी नहीं करूं, हालांकि अभी कोविड का दौर है, अभी तो हमें नमस्ते कहना है, हाथ नहीं मिलाना है, बट फिर भी ऐसा होता है। इस तरह के लोगों को हमें देख करके लगता है कि यार ये अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो हमें उनको सजेस्ट करना है कि आप वो उनकी स्किन को किस तरह से बेहतर रख सकते हैं। जब रूखापन आता है, रूखापन क्यों आता है शरीर में, चूंकि सर्दी का मौसम है, हम लोग क्या पानी कम पीते हैं और शरीर में नमी की कमी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी होने से स्किन बिल्कुल रूखी रूखी स्किन हो जाती है, इस वजह से शरीर में रूखापन आता है, और जैसे जैसे वो रूखापन बढ़ता है तो वो आपके स्किन पे दरारें डालने लग जाता है, और रूखेपन से बहुत सी बार जैसा अभी हमने बात करी त्वचा में जलन आना, खुजली चलना, और वो जब कोई इंसान ऐसा खुजली करता है ना
तो हम लोगों को देख करके ऐसा फील होता है कि यार अब बस अब इसी इंसान से हमें नहीं मिलना है, तो हम उन लोगों से तो मिल ही सकते हैं, और उनके साथ साथ हम पहले अपनी स्किन का रख रखाव करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक अच्छा सेल्समैन जो होता है वो प्रोडक्ट सेल नहीं करता, वो आइडिया सेल करता है। हमने पढ़ा भी है, हमने लोगों ने शायद जाना भी होगा, गुड सेल्समैन नेवर सेल्स ए प्रोडक्ट, ही सेल्स एन आइडिया। वो एक आइडिया सेल करता है, एक प्रोडक्ट को कैसे हम बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएं वो एक आइडिया सेल करता है। अभी मैंने आप लोगों को बातों बातों में ही बता दिया कि आप लोगों के पास ही किस तरह का कस्टमर बैंक है, और किस तरह के कस्टमर्स के पास जाके आप ये अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और आप पहले प्रोडक्ट यूज करना है, देन फिर आपको प्रोडक्ट सेल करना है। तो अब आरसीएम के पास सिर से लेकर के पैर तक के बेहतरीन विंटर केयर सीरीज के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जो आपकी त्वचा की देखभाल करेंगे, कर सकते हैं। अभी आप लोग हालांकि यूज कर भी रहे होंगे, बट आज जो आप लोगों को नॉलेज मिलने वाला है ना, आप मैं इतना कमिट करता हूँ, इतना वादा करता हूँ आप लोगों को कि आज जो आप लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है, आप लोगों को जो प्रोडक्ट नॉलेज मिलने वाला है, इस नॉलेज के बाद आप लोग इन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे कि आप सोच नहीं पाते कि यार इन प्रोडक्ट से भी इतना बड़ा टर्नओवर हो सकता है क्या। जी हाँ, तो दिल थाम के बैठिएगा। अब आप लोगों से मैं ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्ट करने से पहले कि स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेके रखिए, बट ज्यादा से ज्यादा डायरी और पेन में आप नोट्स बनाए, तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। हम क्या करते हैं, अमूमन देखा गया कि स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के वो मोबाइल में साइड में रह जाता है, तो कभी भी हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरी और पेन लेकर के आज की इस ट्रेनिंग के नोट्स बनाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो शायद अभी तक के हिस्ट्री में आप लोगों को पहले बार मिलने वाली है। आज से पहले आप लोगों को कभी भी वो नॉलेज नहीं मिला होगा, कभी भी वो जानकारी नहीं मिली है, वो सारी जानकारी आज लोग आप लोगों को मिलने वाली है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि यस आई एम रेडी, ताकि आप लोगों को देख करके मुझे हौसला मिलेगा। यस आप, यस यस आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं इन्हीं से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो लीजिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रेनिंग के पार्ट में कि आरसीएम के सियोना और नाइसा के सीरीज के प्रोडक्ट्स बेस्ट क्यों हैं, व्हाई वी आर द बेस्ट, हम लोग सबसे बेस्ट क्यों हैं, तो वो उस बारे में आज जानेंगे आज आप और हम कि इस उत्पादों को, जो भी हमारे इस नाइसा और सियोना सीरीज के प्रोडक्ट्स हैं, इनको ऑल इंडिया के क्लाइमेट की सिचुएशन को ध्यान में रखकर, पर्यावरण की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर एरिया का जो क्लाइमेट है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे ज्यादा है, तो पूरा हिंदुस्तान के वातावरण को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात इस इन प्रोडक्ट्स की ये है कि इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो आपकी स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं, और इनका जो फॉर्मुलेशन है वो बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्मुलेशन है आगे आने वाली स्लाइड्स में, और जब आप देखेंगे कि हाँ आपको अपने प्रोडक्ट्स पे गर्व फील होगा, प्राउड फील करेंगे आप, और आपके जो प्रोडक्ट्स में, उत्पादों में जो सुगंध मिलेगी आपको, जो फ्रेग्रेंस मिलेगी, वो इफ्रा द्वारा प्रमाणित है। हाँ जी हाँ, आज आपको ये वर्ड नया मिल रहा है, इफ्रा, नोट करिएगा आप सभी साथी, इफ्रा द्वारा प्रमाणित सुगंध को इस इन प्रोडक्ट्स में, जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इफ्रा वो संस्था है, इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जो सुगंध, जिस इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें उन सुगंध को प्रमाणित करती है, उस फ्रेग्रेंस को अलाउ करती है कि हाँ आप ये फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल की एक ये संस्था है इफ्रा, आप जरूर नोट करें इस पॉइंट को, इफ्रा द्वारा प्रमाणित फ्रेग्रेंस को हमारे प्रोडक्ट्स में यूज लिया जाता है। ये आपके लिए बहुत कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा मददगार साबित होगा। मैं कहीं कहीं बात बीच में सेलिंग की भी करूंगा, क्योंकि सेल्स ही हमारा सबसे मेन मोटिव है, हम डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, तो कहीं कहीं बात बीच में प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ सेल्स की भी आएगी, तो वो भी आप जरूर नोट डाउन करिएगा। स्पेशली जितने भी हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, कहीं पर भी केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे जिनसे आपकी त्वचा को हानि हो, ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेगा। सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं एक्टिवली, जो हम आप अपने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो अभी आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे भी सही, तो वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे। और ये तो हमारे आरसीएम का पॉइंट ही है, गुणवत्ता में श्रेष्ठ और दाम में किफायती, क्वालिटी में बेस्ट और कहते हैं ना दाम में कम और क्वालिटी में दम, वो उसका नाम है आरसीएम। तो यही है हमारी आरसीएम की क्वालिटी, हमारी खूबी कि गुणवत्ता में, क्वालिटी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचते हैं, और दाम में शायद
कोई भी कंपनी हमको बीट नहीं कर सकती उस प्राइस में हम लोग लाके ये प्रोडक्ट लाके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अधिकांश निर्माण जितनी भी ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो विश्व की विख्यात कंपनियों के साथ में किया जाता है, जैसे डाव और BASF, इस तरह की जो वर्ल्ड फेमस प्रोडक्शन कंपनीज है उनके साथ में ये प्रोडक्शन आपका जो रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, ये सारा उन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में किया जाता है। तो ये आपके प्रोडक्ट्स की खास बात है कि इसी वजह से आपका नाइसा और सियोना के उत्पाद आप लोगों को बेस्ट बना रहे हैं और आप लोग सीना ठोक करके फील्ड में कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इस वजह से बेस्ट है। आप लोगों के बीच में अभी ये जो वीडियो आप आने वाला है इस वीडियो को जब आप देखेंगे, ये वीडियो आप देखेंगे R&D का वीडियो, हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो 4 स्टेज क्वालिटी कंट्रोल पे बनाया जाता है। 4 स्टेज की क्वालिटी किस तरह से कच्चा माल रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल से लेकर के रॉ मटेरियल फर्स्ट हमारा चेक होता है, देन फिर उसके प्रोडक्शन के टाइम पे, देन फिर पैकेजिंग के टाइम पे और देन फिर डिस्पैच के टाइम पे, जो 4 स्टेज क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है। तो उसका एक R&D का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक वीडियो है जो हमारे इस R&D डिपार्टमेंट में जो भी हमारी पर्सनैलिटीज हैं, जो भी हमारे सीनियर पर्सन हैं हमारे साथ, आज उनसे आप मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि जितने भी हमारे पास सीनियर टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट हेड हैं वो सभी वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन, इंडिया की वेल नोन पर्सनैलिटीज हैं। तो लीजिए आप आपको जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ, ये है हमारी R&D डिपार्टमेंट के हेड। आई एम कुलदीप सिंह, R&D मैनेजर एट RCM। हमारी कंपनी की फिलॉसफी सरल है, हम हमेशा उपभोक्ता को सबसे पहले रखते हैं। जब उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा की बात आती है तो हम कभी भी समझौता नहीं करते हैं। आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। RCM में उत्पादों का निर्णय वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है, ना कि विचारों पर। हमारे विशेषज्ञ सभी उत्पाद की सामग्री और सुरक्षा का सत्यापन एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसेस द्वारा करते हैं। उत्पाद की सुरक्षा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सूची है, फर्स्ट हम विश्लेषण करते हैं, सेकेंड हम परीक्षण करते हैं और थर्ड हम जांच करते हैं, फोर्थ हम निषिद्ध करते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स R&D डिपार्टमेंट में किस तरह से रिसर्च होता है, और आप लोगों को प्राउड फील होगा हो रहा होगा कि हाँ, हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आती है। तो लीजिए अब हम आज पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, नाइसा सेंसेशन नरिशिंग क्रीम बार। जी हाँ, आज के हम पहले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, नाइसा सेंसेशन नरिशिंग क्रीम बार। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सेंसेशन जो पूरा और नरिशिंग क्रीम बार का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे कि कितना। और सबसे इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है, आप लोगों को दिख भी रहा है कि ये किस तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इतनी शानदार पैकेजिंग के साथ में आपके पास उपलब्ध है। ये कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर पैकेजिंग आती है और इस नाइसा सेंसेशन क्रीम बार में दूध, शहद, विटामिन ई, ये तीनों चीजों का इतना शानदार ब्लेंड आपके पास है। और ये जब शॉप से आप यूज करते हैं और इसकी क्या खास बात है, इन इंग्रेडिएंट्स के क्या फायदे हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आशा करता हूँ अभी तक की सारी बातचीत आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं और आप लोगों को समझ में आ रही है तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, ताकि हाँ ध्यान रहे कि हाँ आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि 2-way कम्युनिकेशन रहेगा तो ज्यादा बेटर है। 1-way में तो वो चीज कहलाती है कि भाषण हो रहा है, पर मैं भाषण नहीं, यहाँ हम लोग एक दूसरे को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल यस, आप लोगों के कमेंट बॉक्स में ये जो रेस्पॉन्स मिल रहे हैं इसी से पता चल रहा है कि आप कितने एक्टिव हैं। तो नाइसा सेंसेशन नरिशिंग क्रीम बार के बारे में हम जानते हैं, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट दूध। दूध के बारे में तो शायद सभी जानते हैं कि दूध कितना हमारे शरीर के लिए अंदरूनी रूप से फायदेमंद है, उतना ही ये बाहरी रूप से भी फायदेमंद है। ये दूध त्वचा को मुलायम बनाता है, नमी बनाए रखता है आपकी स्किन में, जो रूखापन आता है वो नहीं लाएगा और बिल्कुल दूध आपकी त्वचा को नम बनाए रखेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है शहद। अभी तो देखें कि आप शहद के बारे में, चूंकि जैसे जैसे हम लोग ये इस माहौल में गुजर रहे हैं कोविड में, तो शहद को हम अंदरूनी रूप से, तो सारे इंग्रेडिएंट आप सोचें जो इंटरनल फायदे करते हैं वही आप वो सारे इंग्रेडिएंट आपके एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी देते हैं आपको। तो शहद क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का कार्य करता है, त्वचा को रूखा होने से बचाता है, स्किन एजिंग से बचाता है और त्वचा को कोमल करता है।
जब हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इन एंटीऑक्सीडेंट्स का एज अ पार्ट अगर हम देखें तो शहद के रूप में हम लोग काम में ले सकते हैं। विटामिन ई की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर विटामिन ई भी मिलाया हुआ है। नाइसा सेंसेशन नरिशिंग क्रीम बार जो हमारा सोप है उसके अंदर त्वचा को मॉइस्चराइज करता है विटामिन ई का बारे जो बेनिफिट है, और फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। अभी मैंने कहा कि फ्री रेडिकल जब हमारी बॉडी में बनते हैं तो उनसे लड़ने के लिए जो चाहिए बॉडी को वो है विटामिन ई। और जब हम इस क्रीम बार से जब हम नहाते हैं या इस क्रीम बार को यूज करते हैं तो उसके इसके अंदर जो विटामिन ई है वो डीप तक जाता है और उन फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारी इसकी मदद करता है। ये है हमारा नाइसा सेंसेशन नरिशिंग क्रीम बार का प्रोडक्ट नॉलेज। इतने अच्छे इंग्रेडिएंट और इतने डीपली जानकारी शायद आप लोगों को पहले नहीं मिली होगी, वो आज आप लोगों को मिल रही है। सेकंड प्रोडक्ट जो शायद मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट मानता हूं मैं अपने आप को कि ये प्रोडक्ट इतना बेस्ट है, इस प्रोडक्ट पे हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, नाइसा ग्लिसरीन बार। ग्लिसरीन बार की अगर हम बात करते हैं तो ये आप देखेंगे ग्लिसरीन बार सर्दियों के दौरान आपकी त्वचा को बिल्कुल कोमल और मुलायम रखता है। और शायद मैं कहूँ ना कि आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अपनी त्वचा कोमल नहीं चाहते हैं, अगर कोई ऐसा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यस लिखे शायद और हैंड रेज करें, कोई भी नहीं होगा, सब अपनी स्किन को कोमल चाहते हैं कि हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन रहे, कोमल कोमल स्किन रहे। तो बस वो सारे अगर आप चाहते हैं तो वो आपको नाइसा ग्लिसरीन सॉप से मिल सकती है, नाइसा ग्लिसरीन बार जो है हमारी उसके थ्रू आपको मिल सकती है आपको ये सॉफ्ट स्किन। और इसके अंदर क्या है, गुडनेस ऑफ टी ट्री ऑयल ग्लिसरीन, हालांकि नाम तो आपने देख ही लिया है, ग्लिसरीन के क्या फायदे हैं वो अब हम जान लेते हैं। ग्लिसरीन के बेनिफिट, ग्लिसरीन को नेचुरल मॉइस्चराइजर कहा जाता है, ये प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ मॉइस्चराइजर है, उसको इस आपके इस क्रीम इस बार में डाला हुआ है नाइसा ग्लिसरीन बार के अंदर ग्लिसरीन को। और ग्लिसरीन का चूंकि मॉइस्चराइजर है तो वो आपकी स्किन को क्या करेगा, कोमल और चमकदार शाइनी स्किन बनाएगा, आपकी स्किन पर शाइन लेकर के आएगा। दूसरा जो सबसे मेन प्रोडक्ट मेन इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री ऑयल। आप लोगों तक आवाज भी पहुंच रही होगी, मैं यस आप लोगों को जो कमेंट बॉक्स में जो रिप्लाईज आ रहे हैं उससे मुझे भी पता चल रहा है कि आप कितने एक्टिव हैं, और नोट्स आप जरूर बनाते रहिएगा। जैसा मैंने कहा है टी ट्री ऑयल की बात करते हैं, जनरली टी ट्री ऑयल के बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने, टी ट्री ऑयल ये होता है, टी ट्री ऑयल ये होता है, बट आप लोगों को आज एक ऐसी जानकारी भी मैं दे दूं कि टी ट्री ऑयल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस होता है और ऑस्ट्रेलिया से प्योर फॉर्म में हम इम्पोर्ट करते हैं, और वो ही टी ट्री ऑयल जो प्योर इम्पोर्ट किया हुआ है वही आपके इस नाइसा ग्लिसरीन बार के अंदर आपको इसे देखने को मिलेगा, उसकी स्मेल आपको मिलेगी, वो टी ट्री ऑयल इस नाइसा ग्लिसरीन बार में यूज किया गया है। कील मुहा ये इसके क्या फायदे हैं वो आप देख, आपको हालांकि स्क्रीन पर सारी चीजें दिख रही है बट फिर भी मैं बताऊं कि टी ट्री ऑयल के बेनिफिट है वो है कील मुहासे और फुंसी को नियंत्रित करता है। बहुत सी बार पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं इसके चेहरे पर, तो उन पिंपल्स को भी रोकने में टी ट्री ऑयल काफी मददगार साबित होता है। गंदगी तेल और अशुद्धियों से दूर रखता है, कि बहुत सी बार हमारी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा ऑयल निकलने लग जाता है तो उस बहुत ज्यादा ऑयल जो निकलता है उसको कंट्रोल में रखता है आपकी स्किन से, त्वचा को गहराई से साफ करता है, डीपली जाकर के आपकी स्किन को क्लियर करेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, दिन भर फील्ड में रहते हैं, तो फील्ड में रहते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स हमारी स्किन से टकराते हैं, तो वो जब डस्ट रहती तो उसको डीपली गहराई से साफ करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, तो वही है, वो है आपका इसके अंदर टी ट्री ऑयल नाइसा ग्लिसरीन बार में, जो गहराई से जाकर के आपका सफाई करता है। और ये जो परफ्यूम है, ये जो टी ट्री ऑयल के सारी फ्रेग्रेंसेज है आपकी शॉप में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें जो परफ्यूम्स की हमने बात करी, जो इफ्रा के द्वारा प्रमाणित हम लोग परफ्यूम्स यूज करते हैं, उसी पे आज हम लोग परफ्यूम में हम एक वीडियो देखेंगे जो हमारे पास में एक बहुत ही रिनोन पर्सनैलिटी है और वेल एक्सपीरियंस्ड हमारे साथ अटैच्ड है, तो उनका हम लोग जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो हमारे साथ क्या हम जिस किस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप करते हैं, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। हेलो फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, My name is Dr. Kishore Saple. मैंने हिंदुस्तान लीवर में 31 वर्ष परफ्यूमरी विभाग में कार्य किया है। हिंदुस्तान लीवर में कार्य के दौरान मुझे अनुभव लेने के लिए क्वेस्ट इंटरनेशनल यूके और जियो वोदान पेरिस परफ्यूमरी हाउस में भेजा गया। मैं पिछले 1.5 साल से RCM के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ निरंतर मार्केटिंग,
R&D, परचेज टीम और अलग अलग परफ्यूम हाउसेस के साथ चर्चा करता हूँ। हमें अलग अलग परफ्यूम हाउसेस से वर्तमान और नए प्रोडक्ट के लिए परफ्यूम प्राप्त होते हैं। उन सभी परफ्यूम की जांच एवं चयन तीन श्रेणी में किया जाता है। पहला है परफ्यूम की प्रोफाइल और विशेषता एवं क्या वो हमारे प्रोडक्ट के लिए अनुकूल है। दूसरी श्रेणी परफ्यूम प्रोडक्ट के साथ अनुकूल है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परफ्यूम सेफ्टी और इंफ्रा गाइडलाइन द्वारा प्रमाणित है। RCM में निरंतर परफ्यूम को प्रोडक्ट के साथ उसकी खुशबू और परफॉर्मेंस के लिए जांचा जाता है ताकि उपभोक्ता को निरंतर अच्छी खुशबू का एहसास मिल सके। धन्यवाद। हम लोगों ने देखा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम लोग किस तरह की फ्रेग्रेंसेस और किस तरह की पर्सनैलिटीज, आप सोचिए उनके पास ऑलरेडी यूनिलीवर के साथ काम का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है और जो इंटरनेशनली फेम है वो आज हमारे साथ सेवाएं दे रहे हैं RCM को, तो आपको अपने प्रोडक्ट पे भी प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ हमारे प्रोडक्ट्स इस तरह की क्वालिटी के हैं। तो अब हम अगले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अगला प्रोडक्ट जो हमारे बीच में आ रहा है वो है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, सियोना डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। जी हाँ, इसके नाम से ही पता चल रहा है, डीप मॉइस्चराइजिंग, आपकी स्किन को डीप में डीप तक जाकर के मॉइस्चराइज करता है, वो है आपका सियोना मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। तो इस प्रोडक्ट के बारे में जानने को आप एक्साइटेड हैं? अगर हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए यस वी आर एक्साइटेड। एक बार अगर आप लोग कमेंट्स अगर मुझे दिखेंगे तो उससे ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा कि हाँ आप लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानने को बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि शायद वो जो जानकारी आज आप लोगों को मिलेगी वो आज से पहले कभी नहीं मिली होगी, ये तो मैं श्योर हूँ। तो यस 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 यस, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं इसी से पता चल रहा है कि हाँ आप लोग कितना एक्साइटेड हैं। तो लीजिए आज इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या इंग्रेडिएंट है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम बात करेंगे वो है नारियल तेल के बारे में। आपके सियोना बॉडी लोशन में नारियल तेल कोकोनट ऑयल को यूज लिया गया है। जो कोकोनट ऑयल क्या करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अभी मैंने कहा ना मौसम में हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो नारियल तेल आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। कद्दू के बीज की अगर बीज का तेल पंपकिन सीड ऑयल अगर आप लोगों ने सुना है, अगर आप मार्केट में कभी गए हो तो पंपकिन सीड ऑयल को भी आपके इस बॉडी लोशन में यूज किया गया है। सियोना बॉडी लोशन अगर आप देख रहे होंगे इतना शानदार पैकेजिंग में आप लोगों के साथ में है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर पंपकिन सीड कद्दू के बीज का तेल वो इसमें डाला गया है। ये कद्दू के बीज का तेल क्या करता है, वो आपकी नई स्किन को डेवलप करने में मदद करता है। कि बहुत सी बार जब स्किन पे हमारे रैशेज होते हैं, हम खुजली करते हैं या स्किन के जो सेल्स टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उनको वापस नए रिप्रोड्यूस करने में कद्दू के बीज का तेल बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, इसीलिए इसमें कद्दू के बीज का तेल भी डाला गया है। तीसरा इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें, विटामिन B5 डाला हुआ है जो आपकी स्किन की सेल्स को, त्वचा की कोशिकाओं को सुधारता है, स्किन के सेल्स को। मैंने अभी कहा ना कि हम लोगों को जब हम मार्केट में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, फील्ड में नहीं भी जाते हैं, फिर भी जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो स्किन की सेल डैमेज होती है उनको रिपेयर करता है, उनको वापस सुधारने में विटामिन B5 काफी मददगार साबित होता है। शिया बटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस प्रोडक्ट के अंदर, नाइसा सियोना जो बॉडी लोशन है हमारा। शिया बटर क्या होता है, शिया बटर एक शिया एक पौधा होता है, उस पौधे से इस बटर को निकाला जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं वो है नेचुरल फैट। ये नेचुरल फैट आपकी त्वचा को मुलायम बनाए रखता है और नम बनाए रखने में मददगार साबित है। ये शिया बटर इस प्रोडक्ट के अंदर यूज लिया गया है। और एक इंग्रेडिएंट और है, वो है जैतून का तेल, जिसको हम ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं। ऑलिव ऑयल शायद आज की डेट में मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा काफी ट्रेंड में आ रहा है, तो वो ऑलिव ऑयल भी इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में डला हुआ है। और वो उसके फायदे क्या है, जो जब हम सनलाइट में जाते हैं तो सन रेज से बचने के लिए बहुत से साथी क्या सनस्क्रीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे उसकी जो सनलाइट से जो सनरेज से हमारे बॉडी पे जो इफेक्ट आता है उससे बचाने में ये जैतून का तेल बहुत मददगार साबित होता है। फ्री रेडिकल से लड़कर त्वचा को स्वस्थ रखता है, तो बिल्कुल हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में पहले भी जाना कि बॉडी में हम लोग दिन भर जो भी खा रहे हैं काफी फ्री रेडिकल्स पैदा होते रहते हैं, तो जब वो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को भी डैमेज करते हैं, तो उनसे उनसे लड़ने में भी ये मददगार साबित होता है जैतून का तेल।
इनर न्यूट्रिशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आउटर न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट है। इनर हेल्थ हमारी जितनी इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ना हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जब हम लोग पढ़ते हैं कि आपकी इनर पर्सनैलिटी जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही आपकी आउटर पर्सनैलिटी भी महत्वपूर्ण है। तो वो आउटर पर्सनैलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्किन भी उसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो स्किन में फ्री रेडिकल से लड़ने में या लड़कर त्वचा को स्वस्थ रखने में जैतून का तेल बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। तो ये सियोना बॉडी लोशन के बारे में आज आप लोगों ने जाना। अगला प्रोडक्ट हम देखेंगे वो है नाइसा की मल्टीपर्पज एलोए हाइड्रेशन क्रीम। मल्टीपर्पज, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एलोवेरा और मल्टीविटामिन से समृद्ध प्रोडक्ट जिसको हम कह सकते हैं वो है एलोए मल्टीपर्पज क्रीम। मल्टीविटामिन इसके अंदर है, आप लोगों इसके नाम पे भी आप देख रहे होंगे जैसा कि विद एलोवेरा एंड मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन के क्या बेनिफिट है वो आप देखें कि सबसे मेन बेनिफिट है वो है आपकी बॉडी को, बॉडी में 24 आवर्स नमी बनाए रखते हैं मल्टीविटामिन। त्वचा की झुर्रियों को कम करते हैं, जो झुर्रियां आ जाती है जो आप समय से पहले ही बूढ़े लगने लग जाते हैं उसको कम करके त्वचा को जवान बनाने में मदद करता है। हाँ, त्वचा को एलर्जी से, स्किन एलर्जी से बचाता है मल्टीविटामिन। यूवी से, जो अल्ट्रावायलेट रेस से जो स्किन को डैमेज होता है, स्किन को जो क्षति पहुंचती है उसको कम करता है मल्टीविटामिन, उनको कम करने में मददगार साबित होता है मल्टीविटामिन। ये नाइसा की जो मल्टीपर्पज क्रीम है इसमें मल्टीविटामिन हम लोगों ने डाले हैं और मल्टीविटामिन से आपको सारे फायदे ही मिलने वाले हैं। आप मल्टीविटामिन हम लोग यूज तो करते ही हैं इनर हेल्थ के लिए, उसी तरह से आउटर हेल्थ के लिए भी हम लोग ये इस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी स्किन को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट आप देखेंगे वो है एलोवेरा। शायद आज की डेट में एलोवेरा से अनभिज्ञ कोई भी नहीं है, हर व्यक्ति जानता है एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा क्या करता है, प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान करता है और आपकी त्वचा में जलन को कम करता है। स्किन में बहुत सी बार जलन पैदा हो जाने लग जाती है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कभी आप, हालांकि अभी सीजन में तो हम लोग किसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं, पर कभी कभी किसी से मिला, जब मिलाते हैं तो किसी का बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा जलन रहती है उनके शरीर में। वो कहते भी होंगे कि यार मुझे तो बहुत ज्यादा जलन रहती, तो वो एलोवेरा क्या करता है शरीर में ठंडक पैदा करता है, शरीर की जलन को कम करता है, त्वचा की जलन को कम करने में मददगार साबित होता है एलोवेरा। दाग धब्बे कम करता है एलोवेरा के बेनिफिट है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्लांट इसको हम लोग कह सकते हैं एलोवेरा। जो आपको नाइसा की, जिसके फायदे आपको नाइसा की मल्टीपर्पज क्रीम में आपको देखने को मिलेंगे और यूज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि हाँ रियल में क्या है आपका प्रोडक्ट, कितना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। आज अब हम बात करते हैं पैकेजिंग के, जो हमने क्वालिटी कंट्रोल में बात करी थी वो अब हम उसी के ऊपर देखते हैं पैकेजिंग के ऊपर हमारा क्या स्टैंडर्ड है और पैकेजिंग डिपार्टमेंट के जो हमारे हेड है उनसे आज हम लोग रूबरू होते हैं, तो लीजिए उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनते हैं। My name is Abhay Goel and I'm working as a packaging professional. हम RCM में सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्ट और पैकेज के बीच में अनुकूलता बनाए रखें और प्रोडक्ट ज्यादा समय तक ताजा रहे। पैकेजिंग तीन चीजों से मिलकर बना है, फर्स्ट कला, सेकंड विज्ञान और थर्ड टेक्नोलॉजी। कला में चित्र, विज्ञान में पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी संरचना की मदद से हम प्रोडक्ट पैकेजिंग में सामंजस्य बनाए रखते हैं जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पैकेजिंग में भी इतना डीपली हम लोग ध्यान रखते हैं क्वालिटी कंट्रोल का, और सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट का भी हम लोग ध्यान रखें कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए हमारे पैकिंग मटेरियल को हम लोग यूज लेते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहे हैं। अब जो विंटर केयर सीरीज में हमारा अगला प्रोडक्ट है, आज के ट्रेनिंग में जो हमारा अगला प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में है वो है नाइसा लिप केयर। ये शायद हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान की। इस सीजन में हर इंसान के होंठ डैमेज होते ही हैं, होंठ फटते ही फटते हैं, ये हम सबको मालूम है। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है बट इस प्रोडक्ट से हम लोग बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। अगर एक फैमिली में ऑन एन एवरेज हम लोग माने कि 4 to 5 मेंबर्स भी हैं तो एक फैमिली में हम लोग 5 लिप केयर का सेल तो आसानी से कर सकते हैं। और नाइसा लिप केयर क्या है, विटामिन ई से समृद्ध है जो आपके सूखे होठों को नमी प्रदान करता है। अभी मैं क्या कहूंगा आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को, क्योंकि जब हम इस सीजन में लोगों के चेहरे देखते हैं
तो चेहरे देखने से भी हम लोगों को एक दूसरे से थोड़ा सा वो होता है, अरे यार इसके होठ कितने फटे हुए हैं, और किन्हीं किन्हीं के तो इतने होठ फट जाते हैं कि फटे हुए होठों से खून तक आने लग जाते हैं, इस कदर के होठ फट जाते हैं। तो उनको आप जरूर अपना नाइसिल लिप केयर यूज करवाएं और साथ साथ में आप खुद यूज करें, और कटे फटे होठों की आपकी देखभाल करेगा नाइसा की लिप केयर इतनी शानदार पैकेजिंग में, और इतनी इजीली आप इसको प्रमोट कर सकते हैं कि हर व्यक्ति आपसे खरीद सकता है इस प्रोडक्ट को। अगला प्रोडक्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है नाइसा की सॉफलिन पेट्रोलियम जली। जी हाँ, नाइसा की सॉफलिन पेट्रोलियम जली पैकेजिंग आपको दिख रही होगी, हर चीज पे मैं आपको पैकेजिंग पे भी फोकस करवा रहा हूँ, बट पैकेजिंग ही इतनी अट्रैक्टिव है कि आधा प्रोडक्ट तो इसकी पैकेजिंग पैकेज से ही सेल हो जाएगा, कि हम लोग जब किसी के सामने हमारा प्रोडक्ट रखेंगे ना तो वो देख के ही ले लेगा, उसको पूछेगा ही नहीं कि यार क्या है, इसकी पैकेजिंग ही इतनी हमारी अट्रैक्टिव है। अब हम उनसे उनको जब इसके साथ साथ ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएंगे, जी हाँ क्वालिटी, मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में कहा ना कि आज के सेशन में आज आप इन प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, इन प्रोडक्ट्स की संरचना को समझेंगे कि इन प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको आज आप इस सेशन में अच्छे तरीके से समझेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर तरीके से समझेंगे, वो सारी चीजें आज इस सेशन में आप लोग समझेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं नाइसा की सॉफलिन पेट्रोलियम जेली की, क्या क्वालिटी है और क्या इंग्रेडिएंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि नाइसा की सॉफलिन पेट्रोलियम जेली क्या फायदे पहुंचा सकती है आपकी स्किन को, जो कहते हैं ना जिसकी स्किन बहुत नाजुक होती है, नाजुक त्वचा के लिए बहुत ही बेहतर है ये हमारी पेट्रोलियम जेली सॉफलिन। कभी कभी छोटे मोटे जब कट लग जाते हैं, तो छोटी मोटी जब चोट लग जाती है, तो उस चोट से राहत पाने के लिए भी हम सॉफलिन को यूज ले सकते हैं। जब स्किन पर रूखापन आता है, हमारी त्वचा पर जब रूखापन आता है, तो उस रूखेपन से बचाव के लिए भी हम लोग सॉफलिन को यूज ले सकते हैं। और जब छोटी यानी कम स्तर पर फटी एड़ियों में राहत पाने के लिए, जब इनिशियल लेवल होता है एड़ियों का फटना जब शुरू होता है, तो उससे भी हम लोग सॉफलिन यूज करके राहत पा सकते हैं। फटी एड़ियों में हम लोग फुट क्रीम पे तो बात करेंगे, बट फुट क्रीम के साथ साथ जब दिन के टाइम पे दिन के समय में हम लोग अगर सॉफलिन को उस पे इम्प्लीमेंट करें हमारी फटी एड़ियों पे, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। रात के वक्त हम लोग फुट क्रीम यूज करें और दिन के वक्त सॉफलिन लगाएं, तो जबरदस्त वाले आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये है नाइसा की सॉफलिन पेट्रोलियम जेली। आशा करता हूं आप लोगों को अभी तक की बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, क्योंकि अब जो आगे आने वाले प्रोडक्ट है वो सबसे धमाकेदार प्रोडक्ट है, सबसे धमाकेदार प्रोडक्ट, और इतने जबरदस्त रिजल्ट आप लोगों को उस प्रोडक्ट से मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में फटाफट से यस लिख दीजिए कि हाँ हम लोग आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोगों का कमेंट से ही पता चलेगा यस। तो बिल्कुल अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले, उससे पहले आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाता हूँ क्वालिटी कंट्रोल का, कि हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करते हैं जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल हेड है उनके साथ में। तो लीजिए, आपने देखा होगा किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखते हुए आपके सामने प्रोडक्ट पहुंचता है, फाइनल प्रोडक्ट। बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा जाता है क्वालिटी कंट्रोल में भी। और हाँ, अब जिस धमाके की मैं बात कर रहा था, वो धमाकेदार, वो जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे बीच में आ चुका है, वो है नाइसा की फुट क्रीम। जी हाँ साथियों, नाइसा की फुट क्रीम जो आपको देती है सॉफ्ट एंड सिल्की फीट। जो जनरली अभी इस सीजन में हम लोगों ने जब सेशन के स्टार्ट में बात करी थी कि हम लोग क्या अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने स्पेशली पैरों की देखभाल करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी, इतने हम लोग व्यस्त रहते हैं। और अमूमन शायद हम लोग देखते भी हैं कि सबसे कम ध्यान हम अपने शरीर पर अगर कहीं देते हैं तो वो है हमारे तलवे। हम अपने पैरों के तलवों पर बिल्कुल भी नेक के बराबर ध्यान रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस सीजन में एड़ियां फटने लग जाती है, और उन एड़ियों को फटने से बचाएं और अपने पैरों को सुंदर बनाने के लिए हम लोगों को नाइसा की फुट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए।
और सबसे मेन बात बता देता हूं कि जितने आपके तलवे साफ होंगे उतना ज्यादा आपके चेहरे पर निखार आएगा। जी हाँ, आपके तलवे जितने साफ होंगे उतना आपका चेहरा निखर निखर के आएगा। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन अपने आपके तलवों का आपके शरीर की आपकी बाहरी सुंदरता से भी है। तो इसीलिए आपसे सभी से मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग अपने तलवों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आज से ही तलवों का ध्यान रखना शुरू करें, पैरों का, और नायसा की फुट क्रीम को उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। नायसा की फुट क्रीम वीट जर्म ऑयल के साथ बनी हुई है। हमने बात करी, पांव और शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, और जबकि वास्तव में पांव की देखभाल करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हम लोगों को सबको मालूम है, पर हम लोग अवॉइड करते हैं कि ठीक है यार अवॉइड करो, अभी टाइम नहीं, चलो और कभी देखेंगे, और कभी अवॉइड करने करने के चक्कर में क्या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एड़ियां इतनी फट जाती है कि हम लोग देख भी नहीं सकते, इस तरह की एड़ियां फट जाती है। और फिर हम कहीं किसी दूसरे किसी के सामने जाते हैं तो उन फटी एड़ियों की वजह से हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो अगर आपको खूबसूरत और मुलायम पांव चाहिए तो नायसा की फुट क्रीम यूज करें, इस तरह की फटी एड़ियों की। और ये तो फिर भी कुछ हद तक आपको को सही दिख रही होगी, ऐसी एड़ियां भी होती है, आप लोग देखेंगे कहीं कहीं तो ऐसे लोगों की फटी एड़ियां ऐसी बदतर हालत में होती है कि उनसे खून तक निकलने लग जाता है। कुछ लोग पाओं की देखभाल को महत्व नहीं देते हैं जिससे उनके पाओं की त्वचा खुरदरी, रूखी और एड़ियां फट जाती है। ये इस सिचुएशन में पहुंच जाती है एड़ियां फट के कि उनसे खून तक निकलने लग जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नायसा की फुट क्रीम को यूज करना है और यूज करवाना है लोगों को। वीट जेम ऑयल होता है नायसा फुट क्रीम में, जो आपकी दरारों को भर करके फटी एड़ियों को मुलायम और रेशमी बनाता है। ये नायसा की जो फुट क्रीम है, इस फुट क्रीम के अंदर वीट जेम ऑयल की खासियत है जिससे आपकी एड़ियां मुलायम बनती है। और बहुत सी बार जब हम दिन भर खड़े रहते हैं या हमारी एड़ियां फट जाती है या स्किन पैर के तलवों की स्किन हमारी खराब होती जाती है, तो उससे पैर में जब दर्द होता है तो उस दर्द को भी कम करके रात भर पांव की त्वचा को नमी प्रदान करती है नायसा की फुट क्रीम, जिससे आपके पांव फटते नहीं है। अमूमन फुट क्रीम के सिलसिले में लोग ये कहते हैं कि यार जिनकी एड़ियां फटी हुई होती है उन्हें हम लोग ये क्रीम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो नहीं, जी हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप शायद मेरे हिसाब से आप लोग गलत है। यहाँ आज के सेशन में हम लोगों ने प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और करेक्शन तीनों चीजों पर बात करी है। तो हम लोगों को प्रिवेंशन भी ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, प्रोटेक्शन भी ध्यान रखना है कि हम लोग जिस क्लाइमेट में तो उस समय प्रोटेक्ट करना, और करेक्शन ये है कि हम लोगों का अगर एड़ियां फटी हुई नहीं है तो भी हमें इस फुट क्रीम को यूज करना है ताकि आने वाले टाइम में पहले ही हम लोग प्रिवेंट हो जाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम जब एड़ियां फटने वाली हो तो उससे पहले ही हम लोग डेली हम फुट क्रीम का इस्तेमाल करें ताकि वो नौबत ही ना आए कि हमारी एड़ियां फटे। इस वजह से भी हमें फुट क्रीम को डेली यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं वीट जैम ऑयल क्या है, वीट जैम ऑयल के क्या फायदे हैं उसके बारे में। वीट जैम ऑयल जो है वो गेहूं के दाने से निकाला जाता है। जी हाँ, गेहूं के दाने से वीट जैम ऑयल को निकाला जाता है। और वीट जैम ऑयल में विटामिन B6, फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और कई सारे आवश्यक पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। जी हाँ, पोषक तत्वों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत जानकारी ली होगी, जो हमारे इनर हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही वो पोषक तत्व हमारी आउटर हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पोषक तत्व क्या करते हैं, हमारे ऊतकों को मरम्मत करके, ऊतक का मीनिंग होता है टिश्यूज की रिपेयरिंग करके, उनकी डेवलपमेंट में, उनको वृद्धि करने में सहायक होते हैं ये पोषक तत्व। ये जो वीट जर्म ऑयल की खासियत है, इस जो आपकी नायसा की फुट क्रीम में डला हुआ है वीट जर्म ऑयल, उससे आपको ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। वीट जैम ऑयल और क्या करता है, वीट जैम ऑयल आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है और साथ ही त्वचा के विभिन्न रोगों जैसे सोरायसिस, एक्जिमा और सूखी त्वचा आदि से बचाता है। इससे पांवों पर लगाने से यह पांव की मरम्मत कर त्वचा को सुंदर बनाता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारी त्वचा को तो इसकी बनाएगा ही बनाएगा सुंदर, और उसके साथ साथ क्या इसमें विटामिन ई ऑयल होता है जो पांव की त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एड़ियां फटने का इंतजार नहीं करना है, हमारी अगर एड़ियां अभी स्वस्थ भी है तो भी हमें फुट क्रीम को वीकली या सप्ताह में 2-3 दिन में एक बार लगा ही लेना चाहिए ताकि हम आने वाले समय से पहले ही, जो हम नौबत आने वाली है उससे पहले ही बच जाएं और फटी एड़ियों से हमारे जो तलवे हैं वो सुरक्षित रहें। इसको यूज कैसे करना है, प्रयोग करने का तरीका आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको रात को अपने पैरों को गुनगुने पानी से धोना है। गुनगुने पानी से धो करके अच्छे से पैरों को आपको सुखाना है, पूरे पांव को पोंछना है,
बहुत सी बार क्या जल्दबाजी में क्या पांव धोया और हल्का सा साफ किया और फिर क्रीम लगा दी, नहीं, पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपकी उंगलियों के बीच में से तलवों के अंगूठे सारे यानी सब तरफ से आपके शरीर में यानी पैरों से आपको पानी को सुखाना है। और अब नाइसा फुट क्रीम को पूरे पैर पे या जहां पर भी आपको लगता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए वहां पैर के तलवे पर आपको लगाना है नाइसा की फुट क्रीम को। ये इसका प्रयोग करने का यूज करने का तरीका है। बेहतर रिजल्ट कैसे ला सकते हैं हम इस प्रोडक्ट से, उसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं हम कि फटी एड़ियों का उपचार हमेशा रात को सोने से पहले करना है ताकि आपके पैरों को थोड़ा आराम मिले और क्रीम आसानी से फटी एड़ियों में अवशोषित हो जाए। क्योंकि इसमें वीट जम ऑयल है, मैंने बताया है कि आप लोगों को कि इसमें वीट जम ऑयल होता है, तो हम रात को जब रिलैक्स होगा हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है, हमारे पैर भी रिलैक्स होंगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा अवशोषित होगा जो हमने क्रीम उस पर लगाई है। अपने पांवों को कोमल मुलायम और स्वस्थ बनाने के लिए फटी एड़ियों का उपचार नाइसा फुट क्रीम से जरूर करें। ये मैं आपको शायद हर स्लाइड में कह रहा हूं कि एड़ियां फटने का इंतजार नहीं करें। अभी बहुत से ऐसे साथी भी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारी एड़ियां फटी हुई नहीं है, तो बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा कि एड़ियों का फटने का इंतजार ना करें, आप अभी से नाइसा फुट क्रीम को यूज करने लग जाएं ताकि कभी वो नौबत ही ना आए कि हमारी एड़ियां फटे। तो अब हम एक ऐसा वीडियो देखेंगे जो आपके इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में काफी मददगार साबित होगा। नाइसा फुट क्रीम का वीडियो आपके सामने एक बार मैं लेकर के आ रहा हूं, तो ये आप जरूर देखें। Gorgeous. You look beautiful. तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। सिर से लेकर पैरों तक चेहरा इतना खूबसूरत और पैर तेज जिंदगी की भागदौड़ में कहीं आप अपने पैरों की खूबसूरती के लिए लापरवाह तो नहीं हो रहे? सोचिए और समझिए, पैर की त्वचा में अपर्याप्त नमी के कारण आपकी एड़ियों में दरारें आ सकती हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में शरीर डिहाइड्रेट होने से, अधिक गर्म पानी से नहाने से, ओबेसिटी के कारण, गलत साइज के जूते के कारण या लंबे समय तक खड़े रहने के कारण भी आपके पैर में दरारें आ सकती हैं, जिनका समय पर इलाज ना करने पे उनमें काफी दर्द उठता है और खून भी निकल सकता है। इसके लिए RCM ने तैयार की है नाइसा फुट क्रीम, जिसमें है वीट जर्म ऑयल जो कि कई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का मिश्रण है, जैसे कि विटामिन ई, फॉलिक एसिड, फॉस्फोरस, हीरामाइन, जिंक एंड मैग्नीशियम। इसके साथ इसमें कई अन्य प्रभावी घटकों का मिश्रण भी है जो गहराई से आपके पैरों को नमी प्रदान करके आपकी फटी और रूखी एड़ियों की खुरदुरी त्वचा की परत को हटाती है, जिससे पैर फटते ही नहीं और उनमें खुजली भी नहीं होती। इससे पैर की त्वचा को पोषण मिलता है और बिना चिपचिपाहट आपकी फटी एड़िया ठीक हो जाती है। इसका इस्तेमाल अत्यंत आसान है। सुबह नहाते वक्त पैरों को गुनगुने पानी से धोकर अच्छे से सुखाकर नाइसा फुट क्रीम को प्रभावित जगहों पर लगाएं। इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले सबसे लाभदायक है। अब मिली है मुझे 100% परफेक्ट खूबसूरती। थैंक यू नाइसा फुट क्रीम। जी हाँ साथियों, आपने देखा कि कितना दमदार और कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है जिससे आप इतने बेहतरीन रिजल्ट लेके आ सकते हैं। और ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आपने रेगुलर नाइसा फुट क्रीम का यूज किया तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में मिल सकते हैं, यानी विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे इस प्रोडक्ट के थ्रू, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर आप लोग तैयार हैं कि हाँ खुशखबरी है और जो आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन देखे हैं वो आपको अच्छा लगा है और ये गुड न्यूज आप लेना चाहते हैं, तो एक बार फटाफट से विद इन ए सेकेंड आप एक बार कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिए यस। आप लोग अगर फुट क्रीम जो हमने अभी तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखी है उसके लिए एक बार जोरदार ताली भी बजा दें ताकि आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो मैं देख पाऊं।
आप लोगों के जो कमेंट्स आएंगे उसी से मोटिवेशन मिलता है, उसी से हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। ये सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का अरेंजमेंट आप लोगों के बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो वो गुड न्यूज जो है, वो गुड न्यूज अब आपके सामने स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं मैं, वो ये है कि आप लोगों को ये सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जो प्रेजेंटेशन है, वो अब सारी ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग की प्रेजेंटेशन आरसीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको कहाँ जाना है, आरसीएम की वेबसाइट पर जाना है और ये डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के आपको आरसीएम प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। सारे प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन डाउनलोड करें, आप उन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू मार्केट में प्रोडक्ट बहुत आसानी से सेल कर पाएंगे। और प्रोडक्ट की खास बात आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट की खासियत बता पाएंगे इन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो ये सारी प्रेजेंटेशंस आपको इस ऑप्शन में मिलेगी, आप जाकर के जरूर डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जी हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना हम लोग ज्यादा ये नॉलेज शेयर करेंगे उतना हमारा बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आज की आप लोगों को ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और बाकी जो भी अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। आप लोगों के कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरह से प्रोडक्ट ट्रेनिंग पसंद आ रही है और आप लोग और क्या चाहते हैं वो भी आप यहाँ जरूर लिखें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कर पाए। आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, आप सभी ने ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करी उसके लिए। और जाते जाते एक बार आप सभी से फिर से हम जोर से हम सब मिलकर के बोलेंगे जय आरसीएम। एक बार जस्ट जितने भी साथी हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए जय आरसीएम। एक बार जो जुनून और जो जज्बा होता है हम सभी आरसीएम डायरेक्ट सेलर्स का, वो जज्बा आप लोगों को यहाँ दिखना चाहिए। एक बार जय आरसीएम कमेंट बॉक्स में लिखें और जोर से जहां पर भी बैठे हैं आप अभी, और जोर से बोले जय आरसीएम साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।